तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखंतु, आज वीडियो रे हमें अपकमिंग बीएड एग्जाम पाई आउ आपनकर ओटीटी एग्जाम पाई ईवीएस रो टॉप 50 टा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। सो वीडियो टू को आपन देखंतु आरंभ रु शेष जाय देखिबे। वीडियो को टोटे लाइक करिबा सह संग मानक सहित शेयर करियो जमाई भूलिबिन। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। आउ फ्रेंड्स जदि आपन पीडीएफ पाए को चाहुचंदी सो आपन हमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे परिबे। टेलीग्राम चैनल लिंक म आपन को डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर दै छी। सो देखिया चलन तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन डाला। देखिया फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपन कोन डाला, द नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट। माने आपन पछि हम ह्यूमन रो ह्यूमन माने हम मनुष्य क्षेत्र रे नॉर्मल हार्ट बीट केते रहउची। ऑप्शन नंबर ए रे आपन को देला 50 रो 60, देन आपन को देला 70 रो 72, देन देला 80 रो 90, देन देला 100 रो 120। सो राइट आंसर कोन होबो। सो देखंथ एठी आपन क्वेश्चन पछि नॉर्म आपन पछि नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट रो नॉर्मल रेट केते आपन को पछि। सो एथिरो आपन को जो नॉर्मल रेट देइची, सो नॉर्मल रेट को रिलेट करी केतरा क्वेश्चन आपन पे हे परिबो ना। फर्स्ट क्वेश्चन हे परिबो जे हमर नॉर्मल आपनकर ब्लड प्रेशर केते रहइबो। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कथा जे हम कहबा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर सो सीता हे जइबो आपन मन रखिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 120 बाय 80 एमएम मर्क्यूरी, एटा हे जइबो नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सेकंड थिंग होउछि आपनकर नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जदि आपन पचारला, हिमोग्लोबिन जदि आपन पचारला तो आपन जदि आपन को एटा मेन मान क्षेत्र पचारला पुरुष मान क्षेत्र सो सेटा हेजिबो आपन 13.22 16.6 आपन कर हेजिबो ग्राम 16.6 ग्राम पर डेसिलीटर केते हेजिबो ग्राम पर डेसिलीटर मन रखिबे। जदि आपन को वुमेन मान क्षेत्र पचारला हिमोग्लोबिन सो वुमेन मान क्षेत्र रे हेजिबो 11.6 रु 15 ग्राम पर डेसिलीटर हेजिबो, जानि परचंदी। देन आउ गोटे क्वेश्चन आपन को पचार नॉर्मल ब्लड सुगर, नॉर्मल ब्लड सुगर जदि आपन को पचारला सो आपन करिवे नॉर्मल ब्लड सुगर लेवल होची 140 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होची नॉर्मल ब्लड सुगर, एटा मध्ये आपन मन रखिबे। सो आपन को पचारला नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट, सो मन रखिबे नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट होची एप्रोक्सीमेटली आपन को 60 रु 100 जो देथाना मध्ये आपन करि परथंदे पर मिनिट। जदि आपन को जेतु अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपन को एठी 60 रु 100 देनी सो आपन एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हे जइबो 70 रु 72, ऑप्शन बी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को देला, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन। डिस्कशन ऑलरेडी हम कर सर्चे सो आपन को 140 बाय 70 देची, 140 बाय 80 देची, 120 बाय 80 देची, 120 बाय 100 देची, जानि चंती 120 बाय 80 mmHg। सो राइट आंसर हे जइबो सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देला, व्हिच इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। आ भितर केउटी गोटे बैक्टीरियल डिजीज नुहे, बैक्टीरिया द्वारा हेथुवा डिजीज नुहे। ट्यूबरकुलोसिस पचारछि, टिटानस, देन चिकन पॉक्स, देन डिप्थेरिया। सो आमे जदि फर्स्ट आपणकर ट्यूबरकुलोसिस बा टीबी कथा आमे कहिबा, सो टीबी होउछि आपणकर कोन ना गोटे बैक्टीरियल डिजीज समस्त जानछन्। कहा द्वारा हेथाय ना आपणकर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा हेथाय अफेक्ट करथाय का को ना बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करथाय। मन रखिबे टिटानस कथा जदि आमे कहिबा, टिटानस आपणकर कोन एटा मध्ये गोटे कोन ना एटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन गोटा जोटा कि कहा द्वारा हेथाय ना आपणकर क्लोस्ट्रोडियम टिटानी द्वारा हेथाय, मन रखिबे। देन होउची आपणकर चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स कथा यदि कहबा एटा आपणकर भाइराल माने आपणर एटा भाइराल डिजीज, भाइरस द्वारा हेथाय। केउ भाइरस द्वारा हेथाय सो आपणर भेरिसेला भाइरस द्वारा हेथाय, भेरिसेला भाइरस। जदि आमे एठी स्मॉल पॉक्स कथा कहबा, स्मॉल पॉक्स आपण मन रखि भेरिओला भाइरस द्वारा हेथाय, भेरिओला भाइरस मन रहला। सो आपणर चिकन पॉक्स हला भेरिसेला भाइरस, स्मॉल पॉक्स हला आपणर भेरिओला भाइरस। देन आपण को डी रे जो देला डिप्थेरिया, डिप्थेरिया कथा यदि कहबा, डिप्थेरिया होउची मध्ये आपणर एटा बैक्टीरियल डिजीज, डिप्थेरिया मध्ये बैक्टीरियल डिजीज। कहा द्वारा हेथाय ना आपणर कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया द्वारा हेथाय, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया द्वारा हेथाय। सो मन रखिबे एटा हला बैक्टीरियल, एटा बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल। बाकी रहला आपण जो सी ऑप्शन चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स होउछि गोटे आपणकर कोन ना गोटे आपणकर भाइरस द्वारा हेउथवा डिजीज, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला, व्हिच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट टीबी। टीबी को प्रोटेक्ट बा ट्यूबरकुलोसिस को प्रोटेक्ट करिया पई क्यों वैक्सीन दिया जाय, डीपीटी, टिटानस, टाइफॉइड, बीसीजी। सो टाइफॉइड तो हबनी, टिटानस भी हबनी, सो आपण डीपीटी वैक्सीन आपण डिप्थेरिया पई दिया जाय डीपीटी वैक्सीन, आउ आपण बाकी रहला बीसीजी वैक्सीन। सो एटा हिजो राइट आंसर। सो बीसीजी वैक्सीन को जदि आपण फुल फॉर्म कथा कहबा सो आना होची बैसिले कालामेट आउ आपण ग्यूरिन। सो आपण मन रखिबे बैसिले
କାଲମେଟ ଗ୍ୟୁରିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା BCG ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ସୋ ଏଇଟା BCG ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର TBକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଥାଏ। DPT ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଥେରିଆ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ସୋ ଏଇ ଟାଇଫଏଡ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଟାଇଫଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ନା ସାଲମୋନ ହେଲା ଟାଇଫି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହୁଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍, ଜେନେଟିକ୍ର ଫାଦର କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସୋ ଜେନେଟିକ୍ର ଫାଦର ଅପ୍ସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଗ୍ରେଗୋର ଜୋହାନ ମେଣ୍ଡେଲ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦେଲା, ଲାମାର୍କ ଦେଲା, ଥିଓବାରାଟସ୍ ଦେଲା। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରେଗୋର ଜୋହାନ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ କଥା କହିବା ସୋ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ର ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରେଗୋର ଜୋହାନ ମେଣ୍ଡେଲ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲକୁ ଜୁଲୋଜିର ଫାଦର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲ୍ ବାୟୋଲୋଜିର ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ବାକି ରହିଲେ ଥିଓଫାରାଟସ୍, ଥିଓଫାରାଟସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବଟାନୀରି ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବଟାନୀର। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ଯେଉଁ ଲାମାର୍କ, ଲାମାର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ରହିଲା ସୋ ତା'ର ଜନକ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ଲାମାର୍କ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା 58 ନମ୍ବର, ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ୱାଜ୍ ଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଆମ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ହେଇଥିଲା ସୋ ସିଏ ଜଣେ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷ ଥିଲା ନା ମହିଳା ଥିଲା, ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ସୋ ଏରେ ଦେଲା ଗାର୍ଲ ବଏ, ତା ଆପଣ ସିରେ ଦେଲା ନନ୍, ଡିରେ ଦେଲା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍। ସୋ ମନେ ରଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଜଣେ ବଏ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ବଏ ଥିଲା ମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ। ସୋ ଦେଖିବେ ମନେ ରଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 2006 ଡିସେମ୍ବରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ। ସୋ ତା ନାଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲାଉସିଏ ବ୍ରାଉନ, ଲାଉସିଏ ବ୍ରାଉନ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବିର ନାଁ, ଯିଏକି ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଳକ ଥିଲା। ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଫାଦର ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଏନି ବୋର୍ଲଗ୍, ଦେନ୍ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ABବାଜପେୟୀ, APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ସୋ ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଯଦି ପଚାରୁଛି ସୋ ଆପଣଙ୍କର MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସୋ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆପଣ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସୋ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହ୍ୱିଟ୍ ଆଉ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ହ୍ୱିଟ୍ ଆଉ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲଗା ସବୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା ତା ରିଲେଟେଡ୍ ବି କିଛି ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ସୋ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବ୍ଲାକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ବ୍ଲାକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ଲାକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଗି ହେଇଥିଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜେନେରାଲି ମନେ ରଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିସ୍ ମାନେ ଫିସ୍ ଆଉ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବ୍ଲୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ବ୍ରାଉନ, ବ୍ରାଉନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ବ୍ରାଉନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ଲେଦର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲାଗି ହେଇଥିଲା, ଲେଦର। ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁଟ୍ ଲାଗି ହେଇଥିଲା, ଜୁଟ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଗ୍ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ଗ୍ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଲାଗି ହେଇଥିଲା, ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିଙ୍କ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ମନେ ରଖିବେ, ପିଙ୍କ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଓନିଅନ୍ ପାଇଁ, ଓନିଅନ୍। ଦେନ୍ ସେଭେନ୍ ଦେନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ରେଡ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ରେଡ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ରେଡ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ମିଟ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟାଟୋ ପାଇଁ, ପଟାଟୋ। ଦେନ୍ 9 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସିଲଭର ଫାଇବର, ସିଲଭର ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଟନ୍ ପାଇଁ ହେଲା, କଟନ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ସିଲଭର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କ'ଣ ନା ସିଲଭର ଫାଇବର ପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ୟେଲୋ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ୟେଲୋ ୟେଲୋ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ, ଅଏଲ୍ ସିଡ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ମିଲ୍କ ପାଇଁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମିଲ୍କ ଆଉ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆପଣ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପଚାରିଛି। ସୋ ଅଲଗା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ, ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱିଟ୍ ଆଉ ରାଇସ୍ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏମଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନଭର୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସୋଲାର ଏନର୍ଜିଟା କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜିରେ, ସୋ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସୋଲାର କୁକର୍ କହିବା ନା ସୋଲାର ସେଲ୍ କହିବା ନା ସୋଲାର ହିଟର୍ କହିବା ନା ସୋଲାର ଆଇରନ୍ କହିବା। ସୋ ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ସୋଲାର ଏନର୍ଜିଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋଲାର ସେଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋଲାର ସେଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍, ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ର। ସୋ ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ସୋ ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମିଥେନ୍ ଦେଇଛି, ବ୍ୟୁଟେନ୍ ଦେଇଛି, ଇଥେନ୍ ଦେଇଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଥେନ୍, କିଏ ମିଥେନ୍ ହେଉଛି ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ମିଥେନ୍ ହେଉଛି CH4,
मिथेन कथा जी कह आपर एटा एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन जाए स्ट्रक्चर हूँ जेनेली यार टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कौन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एटा मध्य मन रखिए मिथेन हिज आर करेक्ट आंसर। जदि आम ब्यूटेन कथ कह आपको जब मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी पचार था मैंने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पचार था तो आप करते ब्यूटेन कारण ब्यूटेन हूँ गोटे इंपोर्टेंट प्रोडक्ट मैंने आपर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी बा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे टाइफॉइड इज कॉज बाय मोले डिस्कशन आम कर से आपने जो ऊपर गोटे क्वेश्चन था टाइफॉइड आपर क्यों वायरस द्वारा मैंने आपको पचार क्यों मैंने आप वायरस द्वारा होता है ना बैक्टेरिया द्वारा होता है ना प्रोटोजोआ द्वारा होता है ना नॉन ऑफ दी अबव सो आप पचार टाइफॉइड गोटे बैक्टेरिया जनित रोग ना वायरस जनित ना प्रोटोजोआ जनित समस्त जानते टाइफॉइड कथा जी कह सालमोनेला टाइफी सालमोनेला टाइफी बैक्टेरिया द्वारा होता है सालमोनेला टाइफी बैक्टेरिया द्वारा होता है दैट मीनस इट इज ए बैक्टेरियल डिजीज ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लुंग बेटर इन द माने आपण नॉर्मल है माने आमे नॉर्मल आई माने आपण को नॉर्मल आखिरे केते सेंटीमीटर पर्यंत दूरते को आमे इजीली देखि परिबा तो आपण को एटा कॉमनली कोन कहजे ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन थ्योरी क्लास रे भी आमे पढिचे सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होउछ आपण मन रखिबे 25 सेंटीमीटर ऑप्शन आपण सी करेक्ट 25 सेंटीमीटर होची नॉर्मल जोटा आपणकर डिस्टेंस जोटा कि हम ह्यूमन आई इजिली देखि परिबो सो ऑप्शन सी हिज वर राइट आंसर ऑप्शन सी हिज वर राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपण देला फ्यूज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूज मेटल फ्यूज फ्यूज पचार जानते फ्यूज आप इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज होता है फ्यूजटा सो फ्यूज हूँ आपर क्या क्या क्यों क्यों मेटाल कॉम्बिनेशन आप पचार ऑप्शन ए रे देखिए कॉपर टीन देन ये जो टीएम लिखाई है आप मन रखिए यहाँ हूँ टीन टी आई एन कॉपर टीन देन रही कॉपर आपर देन रही लेड आउ टीन देन आपको नेक्स्ट कॉपर आउ लेड देन नेक्स्ट देखिए नॉन ऑफ दिज सो आपर किए हो राइट आंसर देखते सो देखते जदि आप फ्यूज्र कम्बेसन पचार सो आप कहे यहाँ हूँ क्या कह कम्बेसन ना आपंकर लेड आउ आपर टीन रम्बेसन क्या क्या कम्बेसन लेड आउ टीन कॉम्बिनेशन माने ऑप्शन बी करेक्ट लेड आउ टीन कॉम्बिनेशन हो फ्यूज माने ऑप्शन बी करेक्ट मन रखिए सो आपाई कमेंट सेक्शन में वर्क रहा आप कहे आम जो दुटा कमन आलोए पढ़चे कौन पढ़चे ना गोटे है ब्रास आउ सेकंड हूँ ब्रोंज गोटे हूँ ब्रास आउ सेकंड हूँ ब्रोंज सो आप कमेंट कर कहे आप ब्रास हूँ कहार मिश्रण ब्रोंज हूँ कहार मिश्रण सो ये आप मोस्ट कमेंट सेक्शन में मोस्ट कहे सो आर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन लेड प्लस माने लेड सहित टीन मिसले हम आपर फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देला मॉलिक्यूल नंबर ऑफ सल्फर सल्फर रो मॉलिक्यूल नंबर पचारछन्दि 8 देछि 10 देछि 6 देछि 4 देछि सो देखंतु जदि हम कहबा सल्फर जानछन्दि 8 नंबर हो 16 सल्फर कथा जानथिबे आपन आरो स्ट्रक्चर हो गोटा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर माने आपन मुकुट भलिया स्ट्रक्चर सो सल्फर जनरली आपन जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है सर S8 स्ट्रक्चर मध्ये कहा जाए S8 स्ट्रक्चर S8 स्ट्रक्चर मीन देयर मॉलिक्यूल नंबर हो 8 तार केते 8 हो मॉलिक्यूल नंबर सो ऑप्शन ए हिज वर राइट। देन नेक्स्ट नेक्स्ट देला हुई चीज गुड रिफ्लेक्टर आ भितर केउटी गोटे गुड रिफ्लेक्टर माने रिफ्लेक्ट कर दबो सो रिफ्लेक्टर किए प्लेन मिरर दे ग्लास इन विंडो दे स्टेनलेस स्टील दे नॉन ऑफ दी अबव दे सो आप देख मन रखिए प्लेन मिरर हूँ गोटे आप गुड रिफ्लेक्टर प्लेन मिरर हूँ गोटे आप गुड रिफ्लेक्टर ऑप्शन आप ए हिज वर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देला आपन देला लैक्टोमीटर इज यूज फॉर लैक्टोमीटर टा आपन केउथि यूज करा जाय लैक्टोमीटर सो आप दे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोल प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑयल प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क सो कहार प्यूरिफिकेशन आम लैक्टोमीटर यूज करते लैक्टोमीटर आप मन रखिए आपर मिल्क प्यूरिफिकेशन करने मिल्क मिल्क प्यूरिफिकेशन करने आम लैक्टोमीटर यूज करते दैट मीनस ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला आट ह्विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फारेनहाइट थर्मोमीटर रीड सेम सो आपको कहते डिग्री आपंकर कौन होता है ना आपंकर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइटा इक्वाल माने हो जाए सेम हो जाए सो मन रखिए यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप रहा ये गोटे क्वेश्चन आम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कथा यदि कह 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट एट जानते समस्ते आउ गोटे पॉइंट हूँ आपको सपोज डिग्री सेल्सियस आप फारे आप सपोज केल्विन को कन्वर्ट करेंगे केमी करेंगे सिंपल 273 से जोटा को आपको ताधर आड करदे जदि आपको सेल्सियस फारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फर्मुला है एफ माइनस 32/9 इक्वाल टू सी बाय 5 यहाँ हूँ फर्मुला सो आर राइट आंसर हो मन रखिए -40 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वाल हो सो ऑप्शन ए हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देला टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड बाय सूर्य टेम्परेचर आम मैंने आपंकर
कहा द्वारा मापी पारिबा क्यों इंस्ट्रूमेंट द्वारा सूर्यंकर टेम्परेचरटा आम मापी पारिबा इंपोर्टेंट रहइबो। सो सूर्यंकर टेम्परेचर कथा जदि आम देखा देखो सूर्यंकर टेम्परेचर आम पायरोमीटर साहाज्य मापी पारिबा ऑप्शन आपनर बी हेजिबो करेक्ट पायरोमीटर साहाज्य रे सूर्यंकर टेम्परेचर आम मापी पारिबा। लैक्टोमीटर आपन जानले मिल्क रा प्यूरीफिकेशन करिया पई आपनकर जो बोलोमीटर रहला बोलोमीटर कौन पे यूज है ना बोलोमीटर आपनकर जनरली यूज होता है एटा आपनर रेडिएटर रे आपनर यूज होता है रेडिएशन रेडिएशन को आपनकर मेजर करिया पई एटा आपनर यूज होता है। सो मन रखिए सर राइट आंसर है जो पायरोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला वन लाइट ईयर लाइट माने एक लाइट ईयर जे केते आपनको मीटर पचार जे। सो आपन मन रखिए लाइट ईयर कथा यदि कहबा एटा आपनकर 6 ट्रिलियन माइल्स 6 ट्रिलियन माइल एक लाइट ईयर होची 6 ट्रिलियन माइल जोटा कि आम थियोरी क्लास में पढ़ी। सो आपको जब आप पचार मीटर पचार सो आप मन रखिए 9.9.46 × 10^15 मीटर के 9.46 × 10^15 मीटर दैट मीनस ऑप्शन सी करेक्ट मन रखिए। यहाँ नेक्स्ट देला आपको ब्रोमिन इजे ब्रोमिन गोटे कौन। सो आम जानूँ ब्रोमिन और मर्क्यूरी। सो आप ब्रोमिन है कौन ना गोटे आप नॉन मेटल जोटा कि आप कौन थाए ना आप लिक्विड स्टेट थाए एट रूम टेम्परेचर। सो राइट आंसर हो नॉन मेट। सो देखो ये देखिए लिक्विड मेटल सॉलिड मेटल लिक्विड मेटल एंड सॉलिड नॉन मेटल। सो एटा कौन हम लिक्विड नॉन मेटल हम कौन हम लिक्विड आप लिक्विड नॉन मेटल नॉन मेटलटा जोटा कि आप लिक्विड स्टेट थाए आप रूम टेम्परेचर। सो ये देखो ऑप्शन नहीं दे नेक्स्ट देला आपन को व्हिच इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो आ भितर केउटी गोटे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस रे आपनकर माने आपनकर कोन हिते ना एक्सट्रैक्ट करा हिते। सो मन रखिबे आपन जो कोकोनट ऑयलटा रहला एटा को आमे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस रे आमे कोन करथौ ना आमे बाहर करथौ। नेक्स्ट देला व्हिच गैस ऑब्जर्व यूवी लाइट रेज फ्रॉम सन। सूर्य पाखु आसुवा जो अति बैगणी रश्मि रहला यूवी लाइट रहला सो ताको केउ आपनकर किए अब्जर्व करता है क्यों गैसटा अब्जर्व करता है ओजन ऑक्सीजन देसी नाइट्रोजन देसी मिथेन देसी समस्त जानते ओजन गैस ही अब्जर्व करता है जोटा कि आप प्रेजेंट थाए क्योंठार ना आप स्ट्राटोस्फीयर प्रेजेंट थाए क्योंठी प्रेजेंट थाए ना स्ट्राटोस्फीयर में प्रेजेंट थाए। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लिग्नाइट लिग्नाइट कोल आपर कार्बन परसेंटेज के लिग्नाइट कोल कार्बन परसेंटेज के। सो आप प्रायत क्वेश्चन पचार था बिटुमिन्स आपको आगुरी आम गोटे क्लास नहीं से आप बिटुमिन्स पचार था। सो ये पचारक लिग्नाइट रे थाए सो मन रखिए लिग्नाइट रे आपर कौन थाए 60 to 70% पाखापाखी थाए। सो आप राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए 67 to 70% 67 to 70% पाखापाखी कार्बन कंटेंट थाए। नेक्स्ट पॉइंट देला एक मोल जी डैस अवोगाड्रोस नंबर समस्त जानते मोल कथा यदि कहबा मोल आम केमी कैलकुलेट करू ना मोल आम कैलकुलेट करू गिभेन मास बाय मॉलिक्यूलर मास दे एक मोल केते अवोगाड्रोस नंबर पचार सो मन रखिए एक मोल हो 6.022 × 10^23 नंबर ऑफ मोल मैंने आपर अवोगाड्रोस नंबर को एन ए डिनोट कराए नंबर ऑफ आटम एन ए डिनोट कराए। सो आप राइट आंसर हो देखो 6.022 × 10^23 ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट 76 नंबर एडिशन ऑफ वन और मोर सेल इज कॉल्ड गोटे किंवा अधिका सेल एडिशन को आम कौन कही वन किंवा मोर सेल एडिशन को आम कही बैटेरी कौन कही बैटेरी कही था। सो मन रखिए ऑप्शन बी करेक्ट जदि आम बैटेरी कथा ये कह बैटेरी आप कौन करता है ना बैटेरी प्रिंसिपल होती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर कॉटन प्रोडक्शन क्यों सॉइलटा इंपोर्टेंट मैंने आप जरूरी क्यों प्रकार सॉइल रे आपनर कॉटन प्रोडक्शनटा मैंने अधिका होता है जानते एटा ऑलरेडी बहुत ही एग्जाम पचार बहुत थर एग्जाम आपको पचार कॉटन प्रोडक्शन आप ब्लैक सॉइलटा ही फेवरेबल ब्लैक सॉइल। सो ऑप्शन ए हो करेक्ट ब्लैक सॉइल होची आपनर कॉटन प्रोडक्शन फेवरेबल। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर राइस आपनर धान मैंने आपंकर धान चाष बेले केते आपनर रेनफॉल दरकार केते क्वांटिटी रेनफॉल दरकार आते टेम्परेचर दरकार टेम्परेचर कथा यदि कहबा आपर टेम्परेचर मैक्सिमम 25 °C टू अधिका हेले आपर धानटा भल हम आम जदि बर्षा कथा कह बर्षा आप देख धान गोटे आप खरीफ खरीफ फसल। सो आम जदि आम देखा आपर जो धान रहा सो धानटा मिनिमम आपर जदि कौन मैंने आप रेनफल कहींपर 100 to 100 cm जब अधिक आप रेनफल है सो धानटा आप इजिली बढ़ी पार 100 cm अधिक मीनस दैट मीनस ऑप्शन सी हो रईट माने आपर 150 to 300 cm हेले धानटा भलसे बढ़ी पार ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देला इंडिया हाज रैंक इन रेलवे इन द वर्ल्ड वर्ल्ड रे इंडिया रो
इंडियन रेलवे रा रैंक केते, आमे जदि वर्ल्ड को देखिबा आपनकर इंडिया रा रैंक केते, इंडियन रेलवे रा रैंक केते, सो मन रखिबे इंडियन रेलवे रैंक होची आपनर 4 नंबर स्थान, चतुर्थ स्थान, दैट मींस फोर्थ पोजीशन, केते फोर्थ पोजीशन होची इंडियन रेलवे रा आपनर स्थान। सो एटा मन रखिबे जदि आमे रेलवे लाइन कथा कहबा, फास्ट आपन रेलवे का समय रे हेतला ना, फास्ट आपन लॉर्ड डेलहाउसी के समय रे फास्ट आपन इंडिया रे कोन हेतला ना, रेलवे लाइन फास्ट आपन प्रतिष्ठा हेतला केते मसिया रे ना, पाखा बाकी 1853 मसिया रे फास्ट रेलवे आपन हेतला, रेलवे लाइन केउठारु केउठी कि ना आपन रो फास्ट हेतला, देखंतु फास्ट बॉम्बे रु थाने पर्यंत आपन रा रेलवे लाइन आपन रो चलथिला लॉर्ड डेलहाउसी के समय रे। एबे पचार जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रेलवेटा आपनर आम इंडिया रे सबुठ लॉन्गेस्ट कोई जगह आपनर रेलवे लाइन अच्छी, सो मन रखिए से आप कौन ना डिब्रुगढ़ टू कन्याकुमारी अच्छी, जोटा कि आपंकर पाखापाखि केते डिस्टेंस आपनर माने आपनर इंडिया रे मन रखिए लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होची डिब्रुगढ़ टू कन्याकुमारी। सो सेटा होची इंडियन रेलवे रो आपन पचारा रैंक केते अच्छी आम वर्ल्ड रे, सो 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट आपन देला, नेक्स्ट पॉइंट कौन देला ना, नेक्स्ट पॉइंट देला जे आपन को व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल, पेंसिल तैयार करे रा भीतर केउटी यूज करा जे पेंसिल, सो जानछन पेंसिल आपन रा ग्राफाइट ही यूज करा जे, सो ऑप्शन आपन रा डी करेक्ट हे जीवो, ग्राफाइट हे जीवो राइट आंसर। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट आपन ग्राफाइट मन रखिबे, ग्राफाइट होजे गुड कंडक्टर ऑफ आपन रा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट देला द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्राइट को किए नाइट्रेट करे, क्यों बैक्टीरिया नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर आपन दे सीडोमोनास, नाइट्रोजोमोनास। सो आम जब ये देखूँ नाइट्रो आप जो नाइट्रोजोमोनास कथा जब कहवा, सो ये दुटा पॉइंट है, गोटे हूँ नाइट्रोजन गैस रु नाइट्राइट को कन्वर्ट है, आउ हूँ सेकेंड हूँ नाइट्राइट रु नाइट्रेट है। जदि आम नाइट्रोजन गैस रु नाइट्राइट कथा कहवा सी हो किए नाइट्रोजोमोनास हो नाइट्रोजोमोनास, जदि नाइट्रोबैक्टर कथा कह सी कौन कर ना नाइट्राइट टू नाइट्रेट को कन्वर्ट कर, सो आर राइट आंसर ऑप्शन बी नाइट्रोबैक्टर। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देला द रूटलेस प्लांट इज, रूटलेस प्लांट किए आपको देखिए लेमना देखिए बनाना देखिए गिंजर देखिए आपको लेमन देखिए, सो देखते रूटलेस प्लांट होना किए ना गिंजर हो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट। देन नेक्स्ट देखा डीएनए इन ए सेल इज, सो आपको जानते डीएनए, डीएनए कथा जब कह डीएनए जानते डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कौन जानते डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सो डीएनए रे जब बेस कथा कह आडेनाइन थाए, गुआनाइन थाए, साइटोसिन थाए, थायमिन थाए, आरएनए कथा जब ये कह सो आपर आडेनाइन थाए, गुआनाइन थाए, साइटोसिन थाए, बट आपर जो डीएनए रे थायमिन थाए, आरएनए रे सेटा यूरासिल हो जाए, आपर जेनेली कहपरेंगे आपर थायमिन बेस्टा आपर आरएनए रे न थाए, आरएनए रे सेटा आपर यूरासिल थाए, सो आर राइट आंसर हो डीएनए फुल फॉर्म रे जानि परछन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट मींस इट इज ए न्यूक्लिक एसिड, सो ऑप्शन बी करेक्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट आपन देला कोन देला द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ किरोसिन इफ टू आर मिक्सड देन व्हाट हैपेंड, माने आपन कहिजी वाटर रे डेंसिटी जानछन किरोसिन रे डेंसिटी रे माने आपनर अधिका, सो वाटर रे डेंसिटी जेहेतु अधिका, सो जदि आमे वाटर आमे किरोसिन टाक मिसाइबा वाटर रे देन आपनर कोन हबो, सो मन रखिबे जदि आपन को जानिछन वाटर प्लस ऑयल, वाटर आउ ऑयल केबे मिसिबो वाटर आउ ऑयल मिसंतिनी, सो दुटा आम कौन कही था आम आपको नॉन होमोजेनियस मिक्सचर कही था, आपको आम नॉन होमोजेनियस मिक्सचर कही था, जदि ऑयलटा मिसिला वाटर रे देन ऑयलटा कौन करे ना ता ऊपर भासे माने आम कहपर वाटर आपर किरोसिन फ्लोर्स ऑन वाटर हम राइट आंसर, माने आपर ऑयलटा वाटर उपर भासिब, सो ऑप्शन आपर बी हो करेक्ट जापर, सो किरोसिन कथा यदि ये आसोसीन कथा आम जी कह किरोसिन आप जानते जेट फ्यूएल हिसाब से यूज कराए जेट फ्यूएल, मन रखिए पॉइंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल लाइपनिंग ऑफ फ्रूट, आम कृत्रिम भाव में फल को पचेबारे क्यों गैसटा को आम यूज करता हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो आप जानते सो आम जब आर्टिफिशियल लाइपनिंग ऑफ फ्रूट कहवा तो आम एसिटिलीन को यूज करता हूँ, क्या यूज करता हूँ एसिटिलीन को यूज करता हूँ, इंपोर्टेंट रहा एसिटिलीन को आम यूज करता हूँ, सो ऑप्शन बी करेक्ट जानते। देन नेक्स्ट पॉइंट जी नेक्स्ट आपको देला सो आपर सोडा आस इज द नेम ऑफ नेम फॉर सोडा आस माने आप जनरली सोडा आस क्या कहुए, सो सोडा आस कथा यदि कह सोडा आस आपर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या सोडियम बाइकार्बोनेट को आपर सॉरी आपर सोडियम कार्बोनेट को सोडा आस कथा पचार सोडियम बाइकार्बोनेट है आपर बेकिंग सोडा हो किंतु सोडा आस पचार आपर सोडियम सोडियम कार्बोनेट हो सोडा सोडियम कार्बोनेट हो सोडा आस, सो एटा को आम वाशिंग सोडा कही था वाशिंग सोडा बेकिंग सोडा नुह वाशिंग सोडा कही था, सो एटा को पचार सोडा आस इज द नेम फर सो मन रखा हूँ यहाँ कौन ना आपर
କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡି କରେକ୍ଟ, ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଭିଟାମିନ୍ କଜେସ୍ ବେରି ବେରି, ବେରି ବେରି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରୁ ହୋଇଥାଏ? ସୋ ମନେ ରଖିବେ ବେରି ବେରି ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ B1 ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବା ଥାୟାମିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରୁ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଅପସନ୍ ଡି କରେକ୍ଟ। ସୋ B1 ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିକାଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଥାୟାମିନ୍, ଯଦି ଆମେ B2 କଥା କହିବା B2 ଜାଣିଛନ୍ତି ରିବୋଫ୍ଲାଭିନ୍, ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ B6 ରହିଲା, B6 ହେଉଛି ପାରିଡକ୍ସିନ୍, ବି ଆପଣ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ B12 କଥା କହିବା ସିଆନୋ କୋବାଲାମିନ୍, ମନେ ରଖିବେ ଏଗୁଡ଼ା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ମଞ୍ଜିଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଫ୍ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ନଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସୋ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ? ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ କହିଥାଉ, ଅପସନ୍ ଡି କରେକ୍ଟ, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ କହିଥାଉ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇନଥାଏ? ୱାଟର ଉପରେ ଦେଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଗମ୍ ଆରୋବିକ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। ସୋ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗମ୍ ଆରୋବିକ୍ଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ପଚାରିବା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତା, ୟୁରିଆ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଜେନେରାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ୟୁରିଆଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନା ନାହିଁ। ସୋ ମନେ ରଖିବେ ୟୁରିଆ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ୟୁରିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗମ୍ ଆରୋବିକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସୋ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା କ'ଣ? ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ନଟ୍ ଆନ୍ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ଜେନେରାଲି ନୁହେଁ। ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେଇଛି, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେଇଛି, ନାଇଟ୍ରୋସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେଇଛି, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ଦେଇଛି। ସୋ ମନେ ରଖିବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନାଇଟ୍ରୋସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। କିଏ ହେଇଯିବ? ନାଇଟ୍ରୋସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆପଣ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରୋସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆପଣ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସୋ ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଓଜନ୍ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍। ସୋ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଓଜନ୍ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଓଜନ୍ ଡେ। ସୋ ଆମେ କେବେ ଓଜନ୍ ଡେ ପାଳନ କରିଥାଉ? ଏପ୍ରିଲ 21 କଥା ଯଦି କହିବେ, ଏପ୍ରିଲ 21 ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରିଥାଉ ନା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେ ଏପ୍ରିଲ 21। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ନା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଜୁନ୍ 5 କଥା ଯଦି କହିବା ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ମାନେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଓଜନ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଓଜନ୍ ଡେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ୱାଟର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ସଲଭେଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମଲିକୁଲ ସାର। ୱାଟରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟରର ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ସଲଭେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସୋ ଜେନେରାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାଟର ଆପଣଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ୱାଟରଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ଡିସୋସିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ୱାଟର କାହିଁକି ଡିସୋସିଏଟ୍ କରିଥାଏ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୋଲାର, ସୋ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଲି ପୋଲାର ହେଇଯିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଦ ଲାଇନ୍ସ ଜଏନିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ଥସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆର୍ କଲ୍ଡ। ସୋ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୋ ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଇସୋ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଇସୋ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆଇସୋ ଡାଇନାମିକ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଇସୋ ଡାଇନାମିକ୍ ଲାଇନ୍, ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ସୁଟ୍ ଟିପ୍ ସେଲ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଲଙ୍ଗର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, କେଉଁ ହରମୋନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ? ସୋ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରମୋନ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରମୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରମୋନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚାମ୍ବର୍ସ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ରଗ୍। ଫ୍ରଗ୍ର ହାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲି କେତେଟା ଚାମ୍ବର ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ କଥା କହିବା, ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଚାମ୍ବର ଅଛି? 4ଟା ଚାମ୍ବର ଅଛି। ଯଦି ଏଠି ଫ୍ରଗ୍ କଥା କହିବା, ଫ୍ରଗ୍ର ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଅଛି ନା 3ଟା ଚାମ୍ବର ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ, 3ଟା ଚାମ୍ବର ଅଛି ଫ୍ରଗ୍ର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚାମ୍ବର ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ରଗ୍, ଫ୍ରଗ୍ର ହାର୍ଟର କେତେଟା ଚାମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି? ଯଦି ଏଠି ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟର ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ଚାମ୍ବର ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରଗ୍ର ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 3ଟା ଚାମ୍ବର ଅଛି, 3ଟା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ, ତାକୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସୋ ତାକୁ ଆମେ ଅଦରୱାଇଜ୍ କ'ଣ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ୍ କହିଥାଉ, ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ
केनाल कही थो राइट आंसर हो एलिमेंटरी केनाल ऑप्शन बी करेक्ट एलिमेंटरी केनाल कही थो अदरवाइज मैं गैस्ट्रो इंटेंस आपर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है द साइंटिस्ट हु फास्ट यूज ए ग्लास प्रिजम टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट माने क्यों आपर साइंटिस्ट फास्ट ग्लास प्रिजम को आपंकर परीक्षा कर लाइट स्पेक्ट्रम बाहर करते फास्ट किए करते सो आप राइट आंसर देखते हो आइजाक न्यूटन फास्ट आप कौन करते आप प्रिजम उपर मैंने प्रिजम को परीक्षा कर स्पेक्ट्रम बाहर करते। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट दे द हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन ह्यूमन बॉडी तो आप पचार जेनेल स्ट्रेस हार्मोन क्या कहे सो स्ट्रेस हार्मोन आपर क्या कहे सो मन रखिए आपर जो रहा आड्रेनालीन तो आपको कहुई थे आपर स्ट्रेस हार्मोन सो आड्रेनालीन आपर आड्रेनालीन को आपर स्ट्रेस हार्मोन कहुई थे सो ऑप्शन आप करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड व्हाट इज बेकिंग सोडा सो आप टेबल सॉल्ट मुझे टेबल सॉल्ट हूँ सोडियम क्लोराइड सो NaCl जो कही था बेकिंग सोडा आप कहे ना सोडियम बाइकार्बोनेट को कही था सोडियम बाइकार्बोनेट क्या ऑप्शन अच्छे ऑप्शन आप रे अच्छे सो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है पोटाटो इज ह्विच पार्ट ऑफ द प्लांट पोटाटो आप गोटे कौन पोटाटो आप जानते पोटाटो आप मटी तले दैट मीनस मटी तले मीनस यहाँ हूँ ट्यूबर यहाँ कौन ट्यूबर जो मटी तले कांड आम कहीपर सो ऑप्शन आप सी हो करेक्ट जानपरले। सो फ्रेंड्स ओवरऑल आम 50 इंपोर्टेंट एबीएस क्वेश्चन डिस्कशन थी जोटा कि आप आगामी ओटीडी एग्जाम आपर बीड एग्जाम इंपोर्टेंट रहा।